हे गाइस, वेलकम बैक टू रेखा अनिल ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा नमस्ते, छोटों को मेरा प्यार। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं इस वक्त ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 10 बजे, और देखिए आप पीछे व्यू तो दिख ही रहा होगा। तो स्वागत है आपका उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक से, हुडला गाँव से। और यहाँ पर मैं अभी मायके आ रखी हूँ। मम्मी तो जा रही है घास के लिए अभी खेत गुडाई करने, क्योंकि काम का टाइम भी है। और मॉर्निंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो, और अभी मैं ऊपर रेस्टोरेंट पे हूँ। आप देख सकते हैं मैं आज आपको रेस्टोरेंट का टूर कराती हूँ। ये बाहर पे भी टेबल अरेंज करे हैं, टेबल ये देखिए, ये अभी तो बाहर का ही है। और यहाँ से तुंगनाथ होटल एंड रेस्टोरेंट, तुंगनाथ व्यू यहाँ पे बहुत प्यारा दिखता है यहाँ से तुंगनाथ। अभी तो धुंध लगी हुई सामने, लेकिन इधर पूरा क्लियर दिखाई देता है। हिमालय चौखंबा और नंदा देवी पर्वत, कार्तिक स्वामी, तुंगनाथ, यहाँ से सारा क्लियर दिखाई देता है सामने पहाड़। अभी धुंध लगी हुई इधर। अब मैं आपको अंदर का टूर कराती हूँ, ठीक है। यहाँ पे बैठक है, देखे टेबल लगे हुए हैं जैसा होता है रेस्टोरेंट में, और इधर सब्जियाँ भी रखी हुई हैं। तलक दिल था मेरा, अब तुम्हारा है। और देखिए ये सामने, ये देखो कितना मस्त व्यू लग रहा है। ये आप देख सकते हो, ये सामने जो दिख रहा है यहाँ से पूरे, आज तो धुंध लगी हुई। यहाँ से तुंगनाथ व्यू इसलिए रखा हुआ गया है यहाँ पर, यहाँ से तुंगनाथ दिखता है सामने, तुंगनाथ, कार्तिक स्वामी और नंदा देवी ज्योति, हिमालय पर्वत, सारा यहाँ से दिखता है सामने। ये बहुत ही प्यारा लोकेशन है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए अभी ये थोड़ा सा मौसम धुंध लगी हुई है तो इस वजह से, और मैं आपको अंदर रेस्टोरेंट का व्यू दिखाती हूँ। देखिए बाहर पे चेयर लगी हुई है, यहाँ पे भी सिटिंग अरेंजमेंट हो रखा है। ये पूरा बाहर से ये देखिए, ये है तुंगनाथ व्यू होटल एंड रेस्टोरेंट, तुंगनाथ व्यू। और मैं अंदर एंटर हो चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे बैठ रखे हैं पापा जी, और सब्जी भी रखी हुई है, क्योंकि गांव में सारा चीज़ चली जाता है। रेस्टोरेंट तो होटल वाले जो आएंगे खाना खाने वाले, जो टूरिस्ट लोग हैं वो भी चले, जो भी खाना खाने आएंगे उनके लिए, बट ये सब्जी भी रखा हुआ है, सारा चीज़ अरेंजमेंट है। नज़दीक वाले ले जाते हैं। मैं भिंडी, इसके नीचे तरबूज भी रखे, ये कुछ यहाँ इसके नीचे क्या छुपा रखा है, इसके नीचे भी कुछ ऐसा है। मैं आलू रखे हुए क्रेट में, ये भी ये रख रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे दूरबीन भी रखी हुई है, क्योंकि यहाँ से व्यू देखने के लिए और दूरबीन से और पास दिखाई देगा। और यहाँ पे हमारे जो क्या बोलेंगे शेफ शॉप बिना है, ये भी लगे हैं यहाँ पे। क्या हो रहा है? अभी ग्रेवी तैयार हो रही है। अच्छा दिखाओ, ये देखो ये चॉपिंग कर रहे हैं, ऑनियन चॉपिंग। ये देखो बहुत बारीक काट रहे, इतना बारीक तो मैं भी नहीं काटती हूँ। तो क्या बनेगा नाश्ते में? अभी बनाना तो भैया बताइए, अभी क्या क्या मॉर्निंग से अभी नाश्ते में क्या बनाया है? ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट में बनाया है पोहा बनाया है। अच्छा, और आलू पराठे बनाए, गोभी पराठा बनाए, मिक्स वेज मिक्स पराठे बनाए। अच्छा, और लच्छे पराठे बनाए, और साथ में ये लालू यहाँ पे जो फेमस चल रहा है आजकल, काफली चने के छोले होते जो। अच्छा, यहाँ काफली चने ही बोलते हैं। अच्छा, और यहाँ पे ज़्यादातर नाश्ते में छोले भटूरे,
अच्छा तो फिर यहाँ पे कैसा स्कोप है, जैसे लंच ब्रेकफास्ट हो गया, लंच डिनर, तो प्रॉपर गाड़ियाँ रुक रही है जैसे स्टार्टिंग है? बराबर गाड़ी रुक रही है, बराबर ऑर्डर चल रहे हैं। तो दिन में जैसे खाने का क्या है दिन में? दिन में लगा लो आप जैसे सीधा सीधा ऐसा कि दाल फ्राई हो गया, दाल तड़का हो गया, मिक्स वेज हो गया, वेज कोल्हापुरी हो गया, पनीर बटर मसाला हो गया। अच्छा ठीक है, अभी जैसे यात्रा से भेज टोटल एकदम भेज है। हाँ क्योंकि अभी सारे टूरिस्ट लोग अब चार धाम यात्रा जा रहे, तो चिकन कोई नहीं खाएगा, तो सारे वेजिटेरियन ही हो गए इस अकॉर्डिंग। शॉपिंग हो गया है, अब तैयारी। अच्छा इसके बाद ग्रेवी बनने की तैयारी, अब दिन लंच की तैयारी चल रही है। चलो ठीक है, इनका डिस्टर्ब करते ना करते हुए आप अपने काम में लगे रहे। हाँ वे पापा जी भी सुस्ताई फैला रहे, पापा जी गाना सुनने पे लगे हुए। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो। हाँ क्योंकि पापा जी रिटायर हो चुके हैं, पहले पापा बैंक में जॉब करते थे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो अभी कुछ ही टाइम हुआ है रिटायरमेंट हुए, तो इस वजह से सोचा कि खाली भी क्या करना है, तो फिर अपना बिजनेस डाल दें इन लोगों ने। भले सीजन के टाइम पे स्टार्ट करा, बट ये अब फॉर एवर रहेगा, हमेशा स्टार्टिंग ही रहेगा। अब रिटायरमेंट के बाद पापा जी को अब आराम दे दिया, आराम तो क्या फिर ड्यूटी उतनी ही है। तो ठीक लग रहा है रिटायरमेंट के बाद घर पे? ठीक लग रहा है, जब तो अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, बढ़िया है, ये रख रखा है यहाँ पे म्यूजिक गाने सुनने के लिए, पापा जी पुराने गाने ये लगा रखा, गाना भी वैसे ही लेकर रखा, मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा कागज। यहाँ से भी दिक्कत नहीं चाहिए, देख लीजिए आजकल हरा भरा हो रखा है सारा। और यहाँ पे मैं बाहर से बताती हूँ आपको, देखो बाहर का, देखो ये कितना प्यारा सा लग रहा है, अभी इसको कुछ ही टाइम डाला और ये भी अच्छा सा लग चुका है। ब्रूनो ये अभी आराम फरमा रहे हैं। ये कही ये पहले के टाइम में होती थी ऐसे पतंगे, बहुत छोटे में देखे कागज़ के, अब तो जब टूरिस्ट वो लगता, बहुत प्यारा व्यू लग रहा है ऐसे में ना। तो ये देखे क्या कर रहे हो तुम, कौन आज मामा क्या कर रहे थे आप? चलो तो आपने देख ही लिया होगा आज का, तो रेस्टोरेंट संभालने की बारी है मेरी। एक दिन मैं भी देखती हूँ कि कैसा होता है रेस्टोरेंट में, एक दिन का सेल मैं भी करके देखती हूँ रेस्टोरेंट में कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि भाई अभी है नहीं यहाँ पे, तो ये जिम्मेदारी मुझे भी निभानी पड़ रही, क्योंकि मौका मिला है, मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए किसी चीज़ का। तो मैं भी आज थोड़ा सा यहाँ काउंटर पर बैठूँगी, तो देखिए कैसा एक्सपीरियंस रहता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। ये है मैं कहा इधर आओ। चलो तो तब तक ले, बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस आज का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो चलो मैंने अब दुकान को टेक ओवर कर दिया है यहाँ पे, मेरी अपनी सीट चेंज कर दिया है, और आज का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा, इसका मतलब मैं भी दुकानदारी कर सकती हूँ। चलो तो भाई हम भी जा रहे हैं, ये देखिए सारा, क्योंकि मौसम ख़राब हो चुका है तो हमें अब जाना पड़ेगा घर। चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।